गुड इवनिंग वी आर वेरी हैप्पी और आप जैसे ही विद्यार्थियों ने इस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया इन वन और इन दीदर कैपेसिटी हेल्पफुल रहा है चाहे वो मीन टेस्ट सीरीज हो चाहे वो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हो राइट right? तो वी आर नेक्स्ट ऑनलाइन रिकॉर्डेड रूपरेखा को डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से ये बैच एग्जीक्यूट किया जाएगा और किस तरह से ये बैच आपके लिए उपयोगी रह सकता है राइट right? स्टार्टिंग में ही मैं इसमें कुछ एक चीजें हैं जिसको फ्रीक्वेंटली बच्चे पूछते हैं चार जुलाई को बैच स्टार्ट होगा फीस इसकी जैसा हमारा की सारे बेचेस की फीस है, है, है इसमें जो डिलीवर होगा वो हमारा चाहे वो प्रीलिम्स स्टेज है चाहे वो मेंस एग्जामिनेशन है या फिर इंटरव्यू की तैयारी है तो तीनों ही स्टेजेस को इन देयर एंटायरिटी हम लोग कवर करेंगे प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू राइट तो इस तरह से ये बैच है इसकी डिटेल में रूपरेखा एक बार हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से ये बैच चलेगा इसके अलावा हमारे पास जो टोटल बैचेस हैं तीन प्रकार के एच के बैच हमारे चलते हैं एक एच का बैच है जिसको हम बोलते हैं ऑफलाइन बैच जो व्यक्ति कॉलेज पास आउट कर चुका है जो फुल टाइम तैयारी करना चाहता है कॉलेज पास आउट हो गया और फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकता है उसको हम बोलते हैं कि आप हमारे ऑफलाइन बैचेज में आइए इसकी फी है सिक्सटी थाउजेंड इसमें एक ही इश्यू होता है इसकी फी बाकी बैचेस जैसे अभी मैंने बोला कि ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच की जो फी है वो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड है राइट right? इसमें फी थोड़ी ज्यादा है राइट right? और साथ में इसमें एक और एक्सपेंडिचर एड होता है जो कि सिटी में रहने का एक्सपेंडिचर है तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है इसलिए अगर किसी के लिए फाइनेंशियली वायबल है लेकिन इन टर्म्स ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस क्योंकि क्लासरूम में जो इफेक्टिवनेस है वो डिफरेंट है कि हमें और बच्चे को देखिए भी कॉम्पिटेटिवनेस फील होती है हमें एक दूसरे के साथ इसमें क्या है कि एवरेज बच्चा भी औरों के साथ लग के कि उसने देखा कि जो है क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं टीचर डेली लाइफ पढ़ा रहा है, है। इसमें लर्निंग भी अगर हमारे साथ लैंग्वेज के ऊपर बच्चे के साथ लैंग्वेज के ऊपर काम करने की आवश्यकता है ठीक है उसके कॉन्सेप्ट काम करने की आवश्यकता है तो ये थोड़ा सा बेटर तरीका है तो इसको भी ज्वाइन किया जा सकता है ये बैच हमारा आज ही स्टार्ट हुआ है इज ऑफ जून को ये बैच स्टार्ट हुआ है ऑफलाइन बैच राइट इसमें भी एनरोल कर सकते हैं अब प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोग हैं जो कॉस्टली है ये वाला इसके लेकिन फुल टाइम तैयारी करना चाहते हैं और वर्किंग नहीं है वे लोग इसको घर बैठे लाइव भी देख सकते हैं लाइव बैच की तरह भी देख सकते हैं और इसकी जो फी है वो फिर हम रिड्यूस कर देते हैं 45,000 क्योंकि आप इसको लाइव देख रहे हो यहाँ पे चंडीगढ़ में हमारे पास नहीं रह रहे तो इसकी फी कम होकर फोर्टी फाइव थाउजेंड आपको पड़ती है और इसमें जो है सेम लेक्चर स्ट्रीम हो रहे होते हैं लाइव लाइव फॉर्मेट में तो ये ऑनलाइन भी देखा जा सकता है लेकिन ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए सजेस्टेड नहीं है दोनों बैच क्योंकि इन बैच की जो टाइमिंग है वो ग्यारह से एक बजे की है तो उस टाइम पे आपका ऑफिस चल रहा होगा तो आपके लिए सजेस्टेड नहीं है जो फुल टाइम तैयारी कर रहा है उसके लिए ये सजेस्टेड है या तो वो चंडीगढ़ आ जाए या फिर इसी बैच को वो लाइव देख ले जो चंडीगढ़ में चल रहा है तीसरे नंबर का बैच है जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करें इसको बोला जाता है ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच ये थर्ड टाइप का बैच है इसमें जैसे आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं हमारा स्टूडियो है ये इस स्टूडियो में लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं उसके डेमो लेक्चर आपके समक्ष रखे हैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डेमो लेक्चर्स मिलेंगे उनमें सारे फैकल्टी जो आपको पढ़ाने वाले सबके डेमो लेक्चर्स हैं उनको जरूर देखिए तो इस बैच के अंदर लाइव नहीं पढ़ा जाता ये वर्किंग प्रोफेशनल को हाउस को बहुत सूट करता है एक्स सर्विस मैन है उनको बहुत सूट करता है अब इसके अंदर क्या होता है रोज सुबह जो अब मैं बैच के अनाउंसमेंट कर रहा हूं रोज सुबह दस बजे लेक्चर आपका अपलोड कर दिया जाता है वो लेक्चर रिसेंटली रिकॉर्ड होता है जैसे अगर मेरे को ज्योग्राफी पढ़ानी है तो मैं क्या करूंगा अगर मेरे दस दिन के बाद चार जुलाई से ज्योग्राफी शुरू है तो मैं आज से रिकॉर्डिंग शुरू कर दूंगा एक बफर बना लूंगा हफ्ते दस दिन का ताकि अगर मेरी तबियत खराब हो जाए कुछ इशू हो जाए इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो जाए इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू हो जाए तो आप तक वो लेक्चर जो है तरीके से पहुंचते रहे विदाउट इवन अ सिंगल अल डिले तो इस तरह से रोज सुबह आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है अपने समय अनुसार इनका पूरा एक टाइम टेबल बना है अगले नौ महीने का वो टाइम टेबल के अनुसार ये लेक्चर्स आपको मिलते रहते हैं

तीसरे नंबर पे डाउट है कि अगर आपका शनिवार इतवार के दिन हम लोग लाइव डाउट सेशन क्लासेस रखते हैं तो उसमें फैकल्टी के साथ लाइव इंटरेक्शन होता है आप वहां पर भी अपने जो डाउट है वो पूछ सकते हैं तो इस, तर, इस तरह से ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच भी काफी अच्छा बैच है मैक्सिमम बच्चे हमारे जो छह सात सौ बच्चे हैं वो इस बैच में भी एनरोल है क्योंकि अफोर्डेबल है और हम लोग काफी प्रयास करते हैं अफोर्डेबिलिटी पे काम किया जाए इन दोनों में अफोर्डेबिलिटी हम इससे और नीचे रिड्यूस नहीं कर सकते थे आप समझ सकते हैं कि हमें चंडीगढ़ में जो है रेंट्स बियर करने पड़ते हैं हाई रेंटल है इसलिए हमने यहाँ पे वो फी कम रख दी है कि चलो बच्चा घर पे बैठ के क्लास लगा रहा है तो एटलीस्ट हमारी स्पेस में वो नहीं है तो हम उसको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट भी कर देते हैं फी के अंदर राइट तो इस तरह से तीन बेचेज हैं ऑफलाइन ऑनलाइन लाइव एंड ऑनलाइन रिकॉर्डेड तो ये वाली जो अनाउंसमेंट है जो फी है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और जो पूरा स्ट्रक्चर में अभी समझाऊंगा वो ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच के लिए होगा फिर से मैं एक बात बता देता हूँ ये वाले जो दो बैच है लाइव एंड ऑफलाइन दीज आर सजेस्टेड फॉर फ्रेशर क्योंकि वो चंडीगढ़ आएगा उसको एक्सपोजर मिलेगा पीयर ग्रुप का फैकल्टी का उसकी अब उसकी ग्रूमिंग भी डिफरेंट होगी ये जो है जो घर बैठ के तैयारी कर रहा है ये अगर वर्किंग प्रोफेशनल आप लोग हैं हाउसवाइफ हैं जिनके पास समय का कंस्ट्रेन है या वे बच्चे हैं जिनको लगता है कि ये थोड़ा सा पैसा ज्यादा भी है इसमें पेरेंट्स को है कि आपने पैसा नहीं देना पेरेंट्स ने पैसा देना है आपको लगता है कि थोड़ी सी आर्थिक सामर्थ्य नहीं है पेरेंट्स को और उनपे बच्चे भी समझदार है उनपे ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहते तो, तो दिस इज अ वेरी गुड बैच इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इसको लीजिए बहुत अच्छे से आपको सारे एस्पेक्ट इसमें कवर किए जाएंगे राइट और इस बैच की अब रूपरेखा क्या है कि इसमें जो हम जीएस है जनरल स्टडीज जिसको बोलते हैं वो पूरी तरीके से कवर होगा जिसमें प्रीलिम्स का जनरल स्टडीज है जिसमें मेंस का जनरल स्टडीज है इसके साथ साथ आपको पता है कि प्रीलिम्स में एक पेपर है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट उसको भी पूरी तरीके से कवर किया जाएगा क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं क्योंकि हम साइंस बैकग्राउंड से नहीं मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं तो हम हेजिटेट करते हैं मैथमेटिक्स से रीजनिंग से तो ये जो है आपको तो बिल्कुल जो है अच्छे से ये लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे मैथ्स रीजनिंग एंड इंग्लिश के और आपको सी सेट में भी हम निपुण बना देंगे राइट तो जनरल स्टडीज और सी सेट पूरी तरीके से कवर होगा प्री और मेन्स का जनरल स्टडीज कवर होगा इसके अलावा हर लेक्चर के साथ अटैच्ड नोट्स होते हैं उनके लिए शब्द इस्तेमाल हम लोग करते हैं हैंड हैंड आउट्स आउट्स तो हर लेक्चर के होते हैं हमारे लेक्चर डिफरेंट क्यों है जैसे काफी जो है लोग पढ़ा रहे हैं एच एस के लिए पर्टिकुलरली तो एक रॉट तरीका है एक कन्वेंशनल तरीका है जिसमें टीचर बोल रहा है बच्चे जो है डिक्टेट की तरह लिखे चले जा रहे हैं तो ये कन्वेंशनल मेथड ऑफ टीचिंग है इसमें क्या है ज्यादा समय जाया होता है लिखवाने में और इफेक्टिवली बच्चा जो गेन करता है वो बहुत मुठ्ठी भर काम होता है तो हम क्या करते हैं हम अपने लेक्चर को बहुत अच्छी पी पीपीटी द्वारा बहुत अच्छे एनिमेशन के द्वारा डिलीवर करते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर काम करते हैं लेक्चर में जो बातें हुई है उसका एक नोट्स बना के बच्चे को हर लेक्चर के नीचे अटैच करके दे देते हैं नोट्स डाउनलोड कीजिए उसके प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए अपने पास और वो आप हार्ड कॉपी में अपने पास रख लीजिए अगर आपके पास पर्सनल प्रिंटर है तो ये टोटल जो नोट्स है ये पैतालीस सौ पेजेस के हैं सारे सब्जेक्ट के अगर मिला ली जाए जो नौ महीने में आपको मिलेंगे तो अगर आपके पास पर्सनलाइज प्रिंटर है तो आपने प्रिंट आउट निकाल के अपने पास जो है शीट को रख लेना है अगर आपको बाहर से प्रिंट आउट निकालना है जो सभी के पास प्रिंटर घर पे नहीं है तो काफी कॉस्टली होता है बाहर से प्रिंट आउट निकालना दो तीन रुपए पेज भी है तो अगर ये साढ़े चार हजार पेजेस के नोट्स हैं तो बारह पंद्रह हजार रुपए आपके प्रिंटिंग कॉस्ट आ जाएगी विच इज वेरी हाई तो दूसरा ऑप्शन क्या है हम ये नोट्स आपके घर पे कुरियर कर देते हैं हम लेकिन प्रिंट आउट कॉस्ट जो है आपसे चार्ज करते हैं और लेकिन हम आपको बुक की फॉर्मेट में वो अच्छे से बाइंड करवा देते हैं और बारह किताबों का ये सेट है ट्वेल्व बुक्स आर देयर तो ये बारह किताबें आपके घर कुरियर से आ जाती है लेकिन इसका जो हम चार्ज है जैसे मैंने लिखा है कि प्रिंटेड मटेरियल जो है हम अलग से चार्जेबल होता है 4500 हमारी प्रिंटिंग कॉस्ट है हम वो 4500 ही आपसे चार्ज करते हैं और आपको घर पे ये पहुंचा देते हैं राइट right? तो ये आप अपने अनुसार अपनी सहूलियत अनुसार इसमें डिसीजन ले सकते हैं तो लेकिन हमने अपनी तरफ से दे दें नोट्स की ब्यूटी देखी क्या है जो लेक्चर मैंने पढ़ा है मान लीजिए मैंने आज, आज आपको पढ़ाया कि मैं हिमालयन माउंटेन सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा तो हिमालयन माउंटेन सिस्टम में जो भी आज तक प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स में सवाल आए होंगे एच अलाइड के अंदर अलाइडर नायब तहसील के अंदर वो सारे सवाल इसके अंदर इंसर्टेड होंगे इसके अलावा अगर आप देखेंगे कुछ नए प्रैक्टिस के क्वेश्चन होंगे कुछ मेंस के प्रैक्टिस के क्वेश्चंस होंगे तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वेश्चन जो है हम काफी अच्छे देंगे ताकि आपका कोई भी टॉपिक पढ़ोगे वो पूरी एंटायरिटी में कवर कर लेंगे आप राइट तो इसी तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट के नोट्स कुछ इस प्रकार से ही दिए जाएंगे तो इनमें इस कोर्स के अंदर आपको पूरी तरीके से लेक्चर्स मिलेंगे प्री और मीन के प्री और मीन के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे इन नोट्स के बाहर आपने कुछ नहीं पढ़ना ये अपने आप में पर्याप्त है नोट्स तो आपने कोई भी किताब नहीं खरीदनी है केवल ये नोट्स पढ़ने पूरी तरीके से डिपेंडेबल है कंसाइज है टू पॉइंट है और पेपर को ही टारगेट करता है इसके अलावा करंट अफेयर आपको पता ही है कि इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे एग्जामिनेशन का तो रोज आपको लाइव करंट अफेयर यूट्यूब पे पढ़ाए जाते हैं प्रीलिम्स और मीन यूट्यूब पे आपके अलग से जो है कोर्स के अंदर नहीं है यूट्यूब पे ये सभी के लिए ओपन टू ऑल है सभी को फ्रीली अवेलेबल है तो ये दो जो है प्रीलिम्स और मेंस के करंट अफेयर पढ़ाए जाते हैं आपको इनके नोट्स भी दिए जाएंगे मंथली बेसिस के ऊपर राइट तो ये करंट अफेयर भी हम आपका कवर करवाएंगे इस पूरे कोर्स के अंदर इसके अलावा आपके जैसे मैंने बताया था कि डाउट सेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तीन तरीके से डाउट को रिजोल्व किया जाएगा अगर कोई अकेडमिक डाउट है कि आपको लग रहा है कि आप एक सब्जेक्ट देख रहे हैं आपको वो कम समझ आया तो अकेडमिक डाउट के लिए आप क्या करेंगे कि हर लेक्चर के नीचे एक डाउट बॉक्स है वहां पे अपने डाउट को टाइप कर लो तो कंसर्न फैकल्टी मेंबर आपके डाउट को एड्रेस करेंगे तो डाउट बॉक्स में अपने डाउट को पूछो अगर आपको लगता है कि नहीं यार डाउट जो है डिफरेंट है कुछ पर्सनल लेवल पे डाउट है कुछ पर्सनल बात करनी है या आप अपना जो नेचर ऑफ वर्क है ऑफिस डिफरेंट है लेट टाइमिंग है तो आपकी प्लानिंग डिफरेंट होगी आपके टाइम मैनेजमेंट डिफरेंट होगा वो डिस्कस करना है तो मेरा नंबर आप लोगों के पास इस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है आप मेरे को कॉल कर सकते हैं अदरवाइज आपका टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर कोई जनरल डाउट है कोई टेक्निकल डाउट आ गया कि सर लेक्चर बाकियों के लिए अपलोड हो गया मेरे को आज क्यों नहीं दिख रहा है तो आप टेलीग्राम पर डाल दो जो आईटी टीम है वो भी उसी के अंदर है वो आपके डाउट को वहीं पर रिजोल्व कर लेगी पर्सनल कुछ पूछना है तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है इसके अलावा हर इतवार को जो है आपके लाइव डाउट सेशन क्लासेस भी लगा करेंगे तो उसके थ्रू भी आप अपने डाउट को रिजोल्व कर सकते हैं किसी भी प्रकार का वो डाउट हो सकता है उसके अलावा आपको पता है असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम पढ़े जा रहे हैं लेकिन हम ये तो देख लें हम कितने गहरे पानी में है आठ नौ दस महीने हो गए हमने सारे हर इतवार को क्लास टेस्ट भी दिया अब रियल टेस्ट की फील लेते हैं और देखते हैं हम कितना स्कोर कर पाते हैं तो उसके लिए हमने प्रीलिम्स और मीन्स की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी जैसे हमारे जो मैक्सिमम रिजल्ट है वो टेस्ट सीरीज से बहुत ज्यादा रिजल्ट आते हैं तो प्री और मीन्स की हमारी टेस्ट सीरीज एक है इस टेस्ट सीरीज को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सॉरी ये टेस्ट सीरीज आपके कोर्स का ही एक पार्ट है और इस टेस्ट सीरीज से आपकी असेसमेंट होगी तो ये पूरा कोर्स पहले नौ महीने चलेगा कोर्स खत्म होगा फेब में और फिर आपकी टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट हो जाएगी ताकि आप प्रीलिम्स तक अच्छी तरह तैयार हो आपको साथ में आपकी आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस हमारा रहता है हर संडे को जो आपका क्लास टेस्ट है उसमें भी आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं सब्जेक्टिव और वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको ये एक पूरी डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है जिसमें 44 टेस्ट होते हैं टोटल प्री और मीन मिला के ये आपके करिकुलम का ही एक हिस्सा है एक बार आप कोर्स को क्वालिफाई कर लेते हैं आप मेंस को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इंटरव्यू भी हमारी ही रिस्पांसिबिलिटी है हम इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन जैसे इस साल एक कैंडिडेट uh, है पुलिस uh, सर्विसेज में सिलेक्ट हुई है रश्मि हमारे इंटरव्यू हमारे जो है टेस्ट सीरीज से उन्होंने सिलेक्शन ली है विपिन है टेस्ट सीरीज के पार्ट रहे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टेस्ट सीरीज में हमारे साथ जुड़े थे फिर हमने उनको जो है इंटरव्यू में भी असिस्ट किया तो टेस्ट सीरीज आपका पार्ट है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इस पूरे करिकुलम का ही एक हिस्सा है तो हमने आपका प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस को सिक्योर करना है क्योंकि कंपटीशन हर स्टेज में है हर स्टेज में एलिमिनेशन है कि कुछ बच्चे आगे जाएंगे कुछ बच्चे वहीं पे रोक दिए जाएंगे तो हर स्टेज में हम आपको असिस्ट करेंगे राइट अब इस कोर्स में डायरेक्टली एडमिशन लेने से पहले आपने एक काम करना है हमने एनसीआर को जो है प्रमोट करते हैं हमने आपने हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए सिविल स्टैप हिमाचल राइट ये एंड्रॉइड ऐप है तो मोबाइल पे इस ऐप के थ्रू आप 50 लेक्चर्स फ्री लेक्चर्स है एनसीईआरटी के देखिए हर सब्जेक्ट के पांच सब्जेक्ट है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी साइंस ये बेसिक एनसीईआरटी के लेक्चर्स हैं इनको जरूर जरूर आपने देखना है इन लेक्चर्स को जब आप देखेंगे तो आपका एक फंडामेंटल बेस बन जाएगा ब्रश अप हो जाएंगे क्योंकि कई टाइम के बाद तैयारी शुरू करी होती है बहुत साल पहले एनसीईआरटी पढ़ी थी भूल चुके होते हैं कॉन्सेप्ट भूल चुके होते हैं तो एक वार्म अप हो जाएगा राइट तो इस तरह से आप एनसीईआरटी इसको पहले पढ़ लीजिए एक बेस बना लीजिए चार जुलाई को जब तक आपका बैच शुरू होगा एटलीस्ट जोग्राफी एंड पॉलिटी की एनसीआर तब तक देख लीजिए दोनों में ज्योग्राफी में दस लेक् पॉलिटी में आठ लेक्टी तो एक एक है, है। तो को जरूर आप लोगों ने फॉलो करना है राइट ताकि जब आप क्लासेस में बैठे हमारी क्लासेस थोड़ी सी क्या होती है, है क्योंकि एच है एस का टफ एग्जाम है वो कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है तो हम अच्छे लेवल पे पढ़ाएंगे ताकि आप भी अच्छे लेवल तक पहुंच पाए तो हमारी उसमें आपसे क्या उम्मीद है आपका एक बेस बना हो. तो इसलिए ये तभी वो पेपर को क्वालिफाई कर पाएगा अगर हम आपके लेवल पे पढ़ाएंगे फिर पेपर क्वालिफाई नहीं होगा आपको मजा आएगा क्लास में समझ आएगा लेकिन वो पेपर के स्टैंडर्ड से थोड़ा नीचे हो जाएगी बात राइट तो हमने इन चीज का ध्यान रखना है कि एनसीआरटी जरूर देखना है इसके अलावा हमने एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में जिसमें डेमो डेमोलेक्चर्स हैं सारे फैकल्टीज हैं उसके अंदर आप डेमो लेक्चर जरूर देखिए ताकि हर तरह के फैकल्टी के पढ़ाने के अंदाज को देखिए नोट्स को देखिए फिर जाके आपने एडमिशन एनरोल करनी है इसके अलावा आपकी कोई भी समस्या है कोई भी क्वेरी है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों के साथ शेयर है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं राइट और अगर आपका कोई भी पर्सनलाइज डाउट है तो आई एम टू एड्रेस इट तो इस तरीके से हम इस पूरे कोर्स को आगे लेके जाएंगे राइट चलिए थैंक्स अलॉट एंड वेरी बेस्ट विशेष जैसे इस बार हमारे इतने सिलेक्शन आए तो हम उम्मीद करते हैं कि आप में से आप लोग भी जो है इस पूरे प्रोसेस का भाग बने सिलेक्शन का भाग बने और आप भी पेपर को क्वालिफाई करिए राइट थैंक्स अलॉट